तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप एंड लुकअप मेथड के बारे में। देखिए एक्सेल यूज करते हैं आप, चाहे जो वर्जन यूज करें या थोड़ा यूज करें या ज्यादा यूज करें, आपको वीवीए का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं कि वी लुकअप का जरूरत पड़ेगा। वी लुकअप ही नहीं, लुकअप मेथड का जरूरत पड़ेगा। अब लुकअप मेथड क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले सर एक सवाल बीच में पूछना था, अब लास्ट में पूछिएगा सर, वरना मैं भूल जाऊंगा क्या पढ़ा रहा हूं। तो हम बात करने जा रहे हैं वी लुकअप के बारे में। तो लुकअप मेथड के बारे में एक बार जान लीजिए। आप इंटरनेट पे जाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के साइट खोलते हैं और उस यूनिवर्सिटी की साइट पे आप जाके अपना रोल नंबर देखते हैं तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। आपका बैंकर आपका अकाउंट नंबर डालता है तो पूरा डिटेल्स मिल जाता है उसको। आपका ऑपरेटर आपका मोबाइल नंबर डालता है, अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर डालता है तो आपकी पूरी डिटेल्स मिल जाती है। आधार कार्ड नंबर डालता है तो पूरी डिटेल मिल जाती है। ये डिटेल्स मिलती कहाँ है? देखिए हर किसी को एक यूनिक आईडी प्रोवाइडेड है। अगर आप अकाउंट में है तो आपको अकाउंट नंबर मिला हुआ है। अगर आप इसमें है क्या बोलते हैं आपने ऑफिस में है तो आपको एम्प्लॉय कोड मिला हुआ है। तो एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी के बिहाव पे आपके डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर डेटाबेस को कैसे हम लुकअप करेंगे, दिस इज द लुकअप मेथड। समझे? जैसे कि आपके सामने मेरे पास डेटा है जिसमें एम्प्लॉय कोड है और बाकी डिटेल्स है। तो यहां मेरे पास ओवरऑल डेटा है। अभी क्या हुआ कि मेरे बॉस ने कुछ एम्प्लॉय कोड मुझे भेजा, बोला कि सुजीत मुझे इसमें से इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा दे। अब क्या हुआ कि अगर मैं लुकअप मेथड या वी लुकअप इस्तेमाल ना करूं तो मुझे इसको कॉपी करके जाना होगा, यहां पे सर्च करना होगा और फिर पूरे डेटा को कॉपी करके फिर यहां पेस्ट करना होगा। ये तो अगर आपके पास 10-20 या सिंपल डेटा है तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा हुआ कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इसके लिए हम वी लुकअप इस्तेमाल करते हैं। वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप और इसी के लिए एक एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। वर्टिकल लुकअप क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाता है और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट करता है। ठीक है, वी लुकअप में सिंटैक्स देखिए, लुकअप वैल्यू, टेबल एरिया, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। तो मैंने लुकअप वैल्यू मतलब कि किसको लुकअप करना है, 15 को लुकअप करना है और कहां से लुकअप करना है, तो इस डेटा से टेबल। तो टेबल सिलेक्ट करते हुए याद रखिएगा जो आपका एम्प्लॉय कोड मतलब यूनिक आईडी है जिसके बिहाफ पे आप ले रहे हैं वो हमेशा स्टार्टिंग में होना चाहिए, क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट करता है। ठीक है, मतलब कि अगर एम्प्लॉय कोड बीच में हुआ तो इससे आगे की डेटा उठाएगा, इससे पीछे की डेटा को नहीं उठाएगा। और मैं पूरी कॉलम का डेटा, आप चाहो तो एक रेंज भी ले सकते हो, लेकिन मैंने पूरी कॉलम का डेटा ले लिया है, रेंज ले लिया है। अब एक स्पेशल रूल कहती है कि एक सेल में किसी एक सेल की वैल्यू को ही लुकअप किया जा सकता है। ठीक है, किसी एक सेल में किसी एक सेल की वैल्यू को ही लुकअप किया जा सकता है। तो यहां पे क्या होगा दिक्कत, यहां पे दिक्कत होगा कि हमें बताना पड़ेगा सिस्टम को कि कौन सा कॉलम चाहिए। तो मैंने बोला 1 और 2 मतलब कि दूसरा कॉलम चाहिए कॉमा। अब यहां पे 0 देते हैं, यहां देखिए क्या लिखा हुआ, एग्जैक्ट मैच। हमने 0 दिया, हम यहां पे फॉल्स भी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको लॉजिकल फॉर्मूला में समझाया था कि ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0, सिस्टम समझता है। तो फॉल्स ना लिख के हम 0 लिख देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो नाम आ गया।
अपडेट लाने के लिए भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कि लुकअप वैल्यू सीट में गए हम वन एंड टू कॉमा जीरो, टू नहीं यहां पे थ्री होगा, ये दूसरा मतलब ये हमारा डेटा था तो थ्री होगा, यहां आ गया। एंड ऑल्सो मैं यहां पे वी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया, टेबल एरे हमने टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर, इसी तरह से कंटिन्यूअस आपको करना पड़ेगा। तो हर बार लगाना थोड़ा सा डिडियस हो गया है, मैं थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो इसको सिंपलाइज कैसे करें? तो हम क्या करेंगे कि यहां पे हम डॉलर साइन लगा के इसको फ्रीज करेंगे ताकि जब मैं उसको ड्रैग करूं तो मेरा चेंज ना हो, और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर। तो ड्रैग करने के बाद हमें सिर्फ इसका कॉलम नंबर चेंज करना है कि फोर की जगह फाइव, यहां पे सिक्स, यहां पे सेवन, यहां पे एट, यहां पे नाइन। अब आगे देखिए इसमें भी ऑटोमेशन करेंगे हम। अब प्रॉब्लम यहां पे आया, ये तो चलो नौ कॉलम है तो हमने दे दिया, लेकिन यहां पे नब्बे कॉलम होगा, पचास कॉलम होगा, वहां पे करना तो मुश्किल हो जाता था, ज्यादा टाइम लगेगा क्या? अभी लोगों का फायदा क्या हुआ कि हमने एक लगाया और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सब पे आ जाएगा, तो जो भी मेहनत करना एक पे करना है। लेकिन फिर भी हमें कॉलम नंबर तो देना पड़ रहा है, इससे कैसे बचा जाए? इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक रो को इंसर्ट करेंगे और यहां पे हम पूरी की पूरी जो भी कॉलम नंबर है वो लिख देंगे। उसके बाद मैं यहां पे वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा। अब यहां पे जो मैनुअली टू लिखते थे सो मैनुअली टू नहीं लिखेंगे, हम जाएंगे आपने जहां सीट पे फॉर्मा लगाया था वहां पे, और यहां पे मैंने इस टू को सिलेक्ट करके कॉमा जीरो दे देता हूं। अब मुझे ड्रैग करना है तो हमें फ्रीज करना पड़ेगा, इसका हमें वन फ्रीज करना है। अब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो पूरा अपने आप आ जाएगा, समझ में आया? ये तो हो गया। अब बात इसमें करते हैं हम सर। सर ये जो हम लोग टेबल यूज करते हैं सर, टेबल के ऊपर वाला रो क्या कहते हैं नॉर्मली यूज कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसे एक्सेस एक्सेस में जब क्या कहते हैं कॉल करना होता है तो कॉलम का नेम चेंज हो जाता है, वन टू थ्री हो जाता है, उसका कोई अल्टरनेट मिल जाएगा सर? ये बताते हैं, देखिए देखते रहिए ना, आपको एंड द क्लास कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। हमारे पास एक कॉलम नाम का फॉर्मूला है जो कि मैंने बताया था आपको, कॉलम नाम का फॉर्मूला करता है क्या है कि इसके अंदर जो भी हम कॉलम का रेफरेंस देंगे उसका नेम दिखाएगा, नंबर दिखाएगा। तो टू हम इसमें डाल रहे हैं और कॉलम टू दे रहा है, इसको हम वीलुकअप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान है आपका डेटा, अगर आपका हेडिंग का सीक्वेंस यहां और डेटा का सीक्वेंस दोनों मैच हुआ और डेटा का सीक्वेंस स्टार्टिंग से हुआ तभी इसका यूज कर सकते हैं आप। यहां पे हम लगाएंगे वी लुकअप, इसको सेलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे हम दे देंगे कॉलम, और यहां पे कॉलम फॉर्मूला दे दिया ना, सॉरी तो ये इसी को सिलेक्ट करना था हमको, हाँ इसको सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच। अब मैं बाकी को फ्रीज करूंगा, इसको भी फ्रीज करूंगा, जो कॉलम का रेफरेंस इसको फ्रीज करना नहीं है।
अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो कॉलम का यूज हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि कॉलम का इस्तेमाल हमने किया तो हमारे पास अगर सीक्वेंस में नहीं है, अनसीक्वेंस है थोड़ा बहुत, एक और तरीका है, या आपसे बोला एक और तरीका है अनसीक्वेंस के लिए, वीडियो का इसको सिलेक्ट किया हमने, टेबल में गया, पूरे डेटा को सिलेक्ट किया हमने, कॉमा, कर्ली ब्रैकेट में जितने भी नंबर इकट्ठे डाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि आपका 2 के बाद 3 आएगा, वो आप कॉलम के अकॉर्डिंग, 4 के बाद 5, 4 पहले 5 देन 4 3 देन बाद में 2 ऐसे दे सकते हैं। तो कॉलम का अकॉर्डिंग चलता है, कॉमा 0 एंटर मारिए, फिर जहां तक कॉपी करना है वहां तक सेलेक्ट करें, F2 करके आप अपने फॉर्मूला को एक्टिवेट करें और वापस कंट्रोल सी एंटर, क्योंकि एरे में कॉड है इसलिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। तो आखिर है क्या ये? तो होता क्या है कि अगर आपको मान लो कि सीक्वेंस लिखना है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैं कर्ली ब्रैकेट में इकट्ठा लिख दू 1, 2, 3, 4, 5 और जहां तक हमें चाहिए वहां तक सिलेक्ट करके F2 प्रेस करूं तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये सीक्वेंस नंबर दे देगा। पर सेम काम यही हुआ कि हमने इकट्ठा दे दिया तो इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, इसको 4 मिला, इसको 5 मिला, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको मिलता गया और रिजल्ट आ गया। अब इसका एक खूबी और है, अगर चेंज होगा या डिलीट होगा तो पूरा होगा, एक नहीं होगा, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि आपको किसी ने बोला कि आप एक ही बार, ठीक है, कि आप एक ही बार में 1 ही VLOOKUP लगाइए, एक ही बार में आपको पूरा डेटा लगता है, ऐसा मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में। तो मैंने क्या किया कि पहले सिलेक्ट कर लिया, जैसे सिलेक्शन किया रखा ऐसा सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद मैंने VLOOKUP लगा। सिलेक्शन में ही आपका एक सेल एक्टिव होता है, उस पर आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने यहां पे VLOOKUP इसको सेलेक्ट किया, डेटा सीट में गए और डेटा को सेलेक्ट किया, कर्ली ब्रैकेट में यहां अपना कॉलम नंबर आप एक बार नोट करके रख लो और उसके अकॉर्डिंग यहां पे लिख दो, लिख दिया। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा 0। अब मैं यहां पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, नॉर्मल एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आपने देखा सारा हो गया, इसको नीचे भी आप ड्रैग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया बेटू जी? यस सर। कोई डाउट रजनीकांत जी? कोई डाउट आपको? सर जैसे इसमें हमारा सीक्वेंस में ना हुआ 2, 3, 4, 5, 6 ना हुआ, मेरे को एक 2 नंबर कॉलम चाहिए, एक 10 चाहिए और एक 12 चाहिए, तो वैसे ही लिखते हैं? आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने बोला था कि सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है, आप अपने कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ नंबर डाल सकते हैं। मैं 2-3 बार बोला हुआ आपको। सॉरी सर। ओके सर। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा हेडिंग चेंज होते रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए कभी फुल नेम, डेट, सैलरी एंड बोनस है। कल के डेट में एक डिपार्टमेंट नेम के जगह पे डिपार्टमेंट हो सकता है, तो डिपार्टमेंट चेंज करो तो ऑटोमेटिक मेरा डिपार्टमेंट आ जाना चाहिए। तो अभी मुझे हर बार VLOOKUP लगाना पड़ता है, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना करना पड़े। तो हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला होता है जो किसी सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ध्यान रखिएगा
हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, मतलब रो एंड कॉलम दोनों में सर्च करता है। अगर कॉलम मैच हो जाता है, अगर कॉलम वाइज है तो उसका कॉलम नंबर देगा, रो वाइज है तो उसका रो इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर देगा। मतलब यहां से काउंट करेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका देगा, यहाँ पे 6, 7 जो भी है 7 देगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो मतलब कि मुझे वी लुकअप का इस्तेमाल करते समय, तो वी लुकअप में हम क्या यूज करते हैं, इसी नंबर को यूज करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पे वी लुकअप लगाएंगे, तो वी लुकअप में हमने लुकअप वैल्यू दिया और हमने इसको सिलेक्ट किया। अब यहां पे मुझे डिपार्टमेंट के लिए जो 7 नंबर देना है मैनुअल, तो 7 नंबर दे दिए। तो मैनुअल 7 नंबर न दे के मैं इसी मैच को वी लुकअप के अंदर कंसीडर कर लूंगा। इससे मेरा क्या होगा कि हर किसी में कॉलम नंबर डालने की झंझट खत्म। बस आगे ड्रैग करने से पहले मुझे अपना डॉलर कंसेप्ट को मेंटेन करना होगा, एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, ताकि ये चेंज ना हो बाकियों में। और फिर इसको मैं सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर दिया। अब कल के डेट में यहाँ पे डेट हो या पे सैलरी हो या बोनस हो या कुछ भी हो, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो बी लुकअप के साथ मर्ज एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। तो वी लुकअप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो हेडिंग है और आपके डेटा का हेडिंग है वो एक जैसा होना चाहिए। समझ गए? आया समझ सर? सर ये सेम है सर, टेबल में भी वर्क करेगा सर, सब चीजें सेम वर्क करेगा। यस सर, समझ में आ गया। वो मैच और वी लुकअप समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन जो हमारे पास है, अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी थोड़ा देर पहले कि आपके पास डेटा स्टार्टिंग से होना, आपकी जो यूनिक नंबर है स्टार्टिंग से होना चाहिए, तभी वीलो को आपका डेटा को लुकअप करेगा, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट करता है। बट मेरे पास एक डेटा आया हुआ है जिसमें मेरा एम्प्लॉय कोड बीच में है, तो मैं वी लुकअप से बाकी तो उठा सकता हूं पर इधर का डेटा नहीं उठा सकता, तो इसके लिए क्या करें। तो जैसे कि मैं थोड़ा देर पहले बताया मैच फॉर्मूला, कि मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी नंबर को मैच करता है, उसका रो इंडेक्स नंबर देता है, और ये कॉलम में भी चलता है और रो में चलता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है। तो मुझे 7 का काउंट बता दिया कि यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका 8वां नंबर सीक्वेंस है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इंडेक्स का, ध्यान से देखिएगा। इंडेक्स फॉर्मूला होता है वो क्या करता है, उसके अंदर आप अपना एक डेटा दे दो, डेटा में आप बोलो कि भाई कौन सा रो नंबर और कौन सा कॉलम नंबर चाहिए। तो मैंने बोला कि 8वां नंबर रो एंड पहला नंबर कॉलम, इसने कहा कि आप पहला नंबर कॉलम पे 8वें नंबर रो का डेटा इसने शो कर दिया, शो कर दिया। तो अब यहां पे रो नंबर 8 की जगह पे मैं 6 कर दूंगा, तो फिर वो 6ठा नंबर डेटा इसे दिखाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं एम्प्लॉई कोड से इसको ऑटोमेट करूं जस्ट लाइक वी लुकअप। तो मुझे क्या करना है कि इस 6 की जगह पे अपने मैच को लिंक कर देना है। अब मैं यहाँ पे अगर 6 नंबर एम्प्लॉय को डालता हूं, तो 6 नंबर एम्प्लॉय को का रो नंबर 7 दिखा गया, और जैसे रो नंबर 7 हुआ तो इंडेक्स इसका 7 का नेम दिखा दिया। अब मुझे इसी तरह से हायर डेट चाहिए, तो वापस
इंडेक्स फॉर्मूला लगाऊंगा, डेटा को सिलेक्ट करूंगा कॉमा, और हम यहां पे जो रो नंबर 7 एंड कॉलम नंबर 2 लिख दूंगा तो मेरे पास डेटा आ जाएगा, आपका डेटा आ जाएगा। तो मैच और इंडेक्स को कंबाइन करके वी लुकअप से बेटर फॉर्मूला बनाया जा सकता है। समझ में आया आप सबको रजनीकांत जी, बिरजू जी? हाँ सर, हाँ सर, ये वाला सर मैं यूज करता हूँ। मैं इसमें वही से कॉलम का नेम वाला सोच रहा हूँ, इसमें अगर हो जाए तो। क्या कॉलम नेम मतलब? जैसे हम लोगों ने अभी सर मैच लगाया ना वी लुकअप के अंदर। हाँ हाँ, तो जहाँ उन्होंने की यहाँ पे जो हमने दिया है टू, यहाँ पे मैच लगा देंगे सर, चाहते है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैच लगा दीजिए, अब मैच लगा सकती है। वेरी गुड सर, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, कॉमा जीरो हो गया आपका। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? नेम और फुल नेम अलग अलग लिखा हुआ है। हाँ हाँ, नेम और फुल नेम अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ पे एक काम कीजिए ना, मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ, सैलरी कर देता हूँ। आ गया? यस सर। ये सैलरी को जनरल फॉर्मेट में कर दीजिए। बट इंडेक्स की एक प्रॉब्लम क्या है सर? जनरल फॉर्मेट का कोई शॉर्ट की है सर? कंट्रोल शिफ्ट 1 नहीं सर, तो पॉइंट लग जाता है। डेट फॉर्मेट को आपने जो चेंज किया उसका शॉर्टकट की क्या है सर? क्या डेट फॉर्मेट को जो चेंज किया आपने? हैश। ओके थैंक यू। और शॉर्टकट लिस्ट में चले जाइए ना, वहां मिल जाएगा सारा हेल्प से। कहां पे सर? हेल्प में जाइए, वहां पे शॉर्टकट सर्च कीजिए, वहां मिल जाएगा आपको। अच्छा, फिर सर आप कंट्रोल शिफ्ट 1 बता रहे हैं, उसको करता हूं तो 0.00 आ जाता है। हां, तो उससे पहले वाला एक होता है ना अनडिफाइंड। मैं शॉर्ट की कह रहा हूं सर। हां, अनडिफाइंड ये होता है ना, इसको दबाओ। अच्छा ठीक सर, ठीक सर। अब चलिए वापस बैक टू टॉपिक। हम यहां पे बात कर रहे हैं कि मैच की एक प्रॉब्लम, सॉरी मैच और इंडेक्स हम लगा रहे हैं उसमें एक प्रॉब्लम है। बताइए क्या प्रॉब्लम है? यही सर, अलग अलग हुआ तो प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं, तो ड्रैग नहीं कर सकते सर? नहीं, ड्रैग भी कर सकते, सब कर सकते हैं इसमें। प्रॉब्लम ये है कि आपको डेटा रेंज आपका फिक्स होता है, कल के डेट में डेटा का कॉलम बढ़ा या रो बढ़ा तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा सर। नहीं सर, टेबल यूज करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी? हाँ, हर बार टेबल यूज नहीं किया सकता, हर डेटा को टेबल फॉर्म में नहीं डाला जा सकता है ना सर। टेबल फॉर्म में डालने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ और बाउंडेशन लग जाती है, तो बाउंडेशन को नहीं डाल सकते ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेंज देना पड़ जाता है। तो उसका एक अल्टरनेटिव है ऑफसेट। ऑफसेट फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑफसेट, हमने ऑफसेट में डेटा रेंज में सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना, ठीक है, पूरा डेटा नहीं डालना है। अब इसमें कितना नंबर रो चाहिए? उससे जो मैच का था, लेकिन याद रखिएगा उससे कम होता है। क्यों? क्योंकि मैच काउंटिंग करता है 1 से, ऑफसेट काउंटिंग करता है 0 से। तो मैच का 7, 0 का ऑफसेट का 6 होगा, क्योंकि यहां से करेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और सेम ऐसे ही कॉलम में मैं यहां पे 0 दूंगा, समझे? तो आपका डेटा आ गया। आपका डेटा रो में बढ़े या आपका डेटा कॉलम में बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे कि आपने यहां पे मैच रो नंबर के लिए लगाया, 0 में कॉलम नंबर के लिए लगा सकते हो। पर ध्यान रखिएगा -1 करना पड़ेगा। तो ऑप्शन समझ में आया? तो मैच और इंडेक्स भी बेटर फॉर्म, वी लुकअप से बेटर फॉर्मूला है मैच इंडेक्स, और मैच इंडेक्स से बेटर है ऑफसेट और मैच। मैच दोनों में आएगा, ठीक है ना, लेकिन इंडेक्स से बेटर है ऑफसेट। और सर ज्यादा समझ में नहीं आया मुझे, ऑफसेट का फायदा क्या है सर इसका? और
फायदा हुआ ना आपको, देखिए आप डेटा लुकअप इंडेक्स से कर रहे थे, आपका पूरा रेंज सेलेक्ट करना पड़ रहा है ना। कल के डेट में अगर रेंज आगे बढ़ा इधर बढ़ा तो आपको मैं फॉर्मूला में जाकर बढ़ाना पड़ेगा ना। लेकिन ऑफसेट में क्या हुआ कि ऑफसेट को सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना होता है बस, एक सेल कि आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट। ओके फायदा यस सर। और रो एंड कॉलम नंबर जैसे मैच में देते हो ऐसे यहाँ भी देना है, बट एक कम देना है, एक माइनस कर देना है, क्योंकि इंडेक्स वन से काउंट करता है, ऑफसेट जीरो से काउंट करता है। यस सर, समझ गए? यस सर, क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर, अगला टॉपिक है एच लुकअप की। अब मेरे पास जो डेटा था वो डेटा था हमारे पास वर्टिकल, तो मैंने वी लुकअप लगाया, मैच इंडेक्स लगाया, बट मेरे पास अगला डेटा जो है वो डेटा है हॉरिजॉन्टल, मतलब कि मेरा जो एम्प्लॉय कोड है वो रो वाइज ना होके वो हमारा कॉलम वाइज है, राइट? इसके लिए क्या करें? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एच लुकअप का, हॉरिजॉन्टल लुकअप, बिल्कुल वी लुकअप की तरह, लुकअप वैल्यू, इसके बाद टेबल, आपका स्टार्टिंग में आपका ये होना चाहिए, और आप वी लुकअप में क्या होता है वर्टिकल सिलेक्ट करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करना है, और रो वहां पे कॉलम नंबर डालते थे, यहां पे रो नंबर, सैलरी कितना चौथे नंबर रो में, चौथा नंबर रो, और एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, ये आपका रिजल्ट है। तो एच लुकअप वी लुकअप, एच लुकअप में भी यहां पे आप मैच का इस्तेमाल कर सकते हो कि मैच, और हमने इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा इसको सिलेक्ट किया और यहां पे जीरो दे दिया एंड एंटर। तो एज लुकअप समझ में आया आप लोग को? यस सर। लेकिन एज लुकअप कभी भी का भी वही प्रॉब्लम है कि वो स्टार्टिंग से पहले रो में आपका होना चाहिए, तो यहां भी आप इंडेक्स मैच या ऑफसेट मैच को इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इंडेक्स लगाया और यहां पे रो नंबर 4 है एंड कॉलम नंबर के लिए मैंने यहां पे लगा दिया मैच, मैच इसको इसके अंदर लुक करो, आ गया डेटा हमारे पास रिजल्ट। अभी 4 पे भी मैच लगा सकते हो, दोनों तरफ मैच लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और ऐसे ही आप ऑफसेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि यहां आपने एक सेल को सिलेक्ट किया और रो नंबर के पे आपने 4-1 मतलब 3 दे दिया एंड कॉलम में आपने लगा दिया वापस मैच, मैच 10वें नंबर पे जाए ये पूरे में जाए एंड कॉमा 0, इसमें -1 करना पड़ेगा इसलिए -1 कर दिया। आपके ऊपर है कि आप एच लुकअप इस्तेमाल करते हैं, मैच इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं एंड ऑफसेट एंड मैच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वी लुकअप में हम या एच लुकअप में हम ये जीरो क्यों लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं ना जीरो, जीरो की जगह पे क्या दे सकते हैं? तो अभी मेरे पास डेटा है देखिए सैलरी का, तो मेरे पास इंसेंटिव निकालना है कि 0 to 40 पे 500, 4160 पे 1000, 5000। लेकिन उसके लिए मुझे आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, हर का स्टार्टिंग पोजिशन लिखिए और उसके सामने उसकी वैल्यू डाल दीजिए। अब मैं यहां पे लगाता हूं वापस वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा 2 और यहां पे 0 के जगह पे 1 या ट्रू डाल देता हूं, ठीक है?
तो एक ग्रुप लुकिंग होता है कि 47 इसने देखा 47 किसके बिटवीन में है, 0 to 41 में नहीं, 41 to 61 में, या तो इसने 41 के सामने वाली वैल्यू जो है हमारा 1000 ओसो कर, ठीक है, क्लियर है अश्वनी जी? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर ये लोएस्ट नंबर लेगा या नियरेस्ट नंबर लेगा? लोएस्ट नंबर लेगा, ठीक है। हाँ, इसका यूज हम लोग लुकअप फॉर्मूला का भी कर सकते हैं, हमारे पास एक लुकअप फॉर्मूला भी होता है, लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर। हर कोई था ना? 500 आया। तो लुकअप का एक फैसले एक बेनिफिट क्या है कि लुकअप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और यहां पे हम देते हैं 0, सारे वैल्यू यहाँ ही पे डाल सकते हैं, 41, 61, 81, 101, ठीक है। और मैं इसको क्लोज कर, फिर रिजल्ट में भी ऐसे ही 500, 1000, 1500, 2000 और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट जो देते हैं वो देना जरूरी है सर? बेसिकली एरे फॉर्म में दे रहे हो तो इसके अंदर टेबल फॉर्मेट होना चाहिए, जहां भी एरे फॉर्म में डेटा जाता है वहां। ओ, मतलब ये बेसिकली एरे के लिए यूज होती है। बताता हूँ आपको, अगर आपने लुकअप फॉर्मूला लगाया, अगर मैंने लुकअप वैल्यू दे दिया कॉमा, अब यहाँ पे मैं 0 दूंगा तो क्या समझ लेगा? ये रिजल्ट समझ लेगा, समझा रहा है जी सर जी। इसीलिए हम कर्ली ब्रैकेट में देते हैं ताकि वो एक ही इनपुट ले, समझे? ओके ओके, इसमें आ गया एग्जांपल। पर जो लुकअप होता है उसमें दोनों कॉलम लाइन में या बाजू बाजू में होने जरूरी नहीं है? नहीं, हाँ सही बोल, धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं आप लोग। अगर आप बादाम खा रहे हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए वी लुकअप से रिलेटेड अब हम कुछ ट्रिक्स के बारे में जानते हैं, ट्रिक्स, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास दो कंडीशंस है, उसके बिहाफ पे मुझे डेटा लुकअप करना है, जैसे कि मेरे पास फाइनेंस है और पटना है, मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के पटना सिटी का हमें सैलरी चाहिए, समझ गए? तो प्रॉब्लम क्या है कि वी लुकअप किसी भी कंडीशन में एक से ज्यादा पे लुकअप नहीं लगा सकते, ओके? तो हम अपने डेटा में कॉलम को इंसर्ट करेंगे और वहां पे मैं क्या करूंगा कि डिपार्टमेंट को कॉन्कैटेनेट कर दूंगा किसी एक सेपरेटर के साथ सिटी, तो डिपार्टमेंट सिटी यहां पे ज्वाइन हो गए और ज्वाइन होके एक यूनिक बना दिया। जहां हम वी लुकअप लगाएंगे वहां भी हम लुकअप वैल्यू में भी सेम काम करेंगे कि मैं यहां पे इन दोनों को कंबाइन करूं और फिर हम पूरे डेटा को सेलेक्ट, और कौन सा नंबर चाहिए तो मुझे सैलरी चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 4, 3, ठीक है सर? कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ऐसे तीन कंडीशन हो, चार कंडीशन हो तो आप प्रोसीड कर सकते हैं सीधा। अब प्रॉब्लम एक चीज और भी आती है कि हमें कभी कभी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास डेटा दिल्ली है,
समझे? पता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी नेम के अकॉर्डिंग ढूंढना है, तो किसी ने सुजीत लिख दिया आपके डेटा में, सुजीत कुमार सिंह है, लेकिन कभी आप सुजीत भी लुकअप कर लेते हो, कभी सुजीत कुमार भी कर लेते हो, और सुजीत कुमार सिंह भी कर लेते हो, तो कंटेन होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे जो वर्ड लिख रहे हो वो वर्ड के दोनों तरफ आप क्या लगाओगे, स्टार, और फिर अगर आप वी लुकअप लगाते हो, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू में उसको सिलेक्ट कर लो, डेटा को सिलेक्ट कर लो एंड कॉमा जीरो, टू टू कॉमा जीरो कर, एंटर मारो, तो आपका लुकअप दे देता है न्यू दिल्ली 60 आ गया। लेकिन याद रखिएगा कि आप ये हो गया ये हो गया आपका कंटेन, मतलब कि दोनों तरफ दिल्ली कहीं भी होगा, वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने पहले स्टार और फिर दिल्ली लगाया तो दिल्ली उस सेल के लास्ट वैल्यू होगी, मतलब कि न्यू दिल्ली चिराग दिल्ली दिल्ली, तो लास्ट में दिल्ली होना चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले दिल्ली लगाया और फिर स्टार लगाया, तो इसमें स्टार्ट विथ दिल्ली, दिल्ली के बाद चाहे जो, जैसे दिल्ली रोड, दिल्ली सिटी, दिल्ली स्टेट, तो दिल्ली पहले होना चाहिए, समझ गए? अब एक और प्रॉब्लम है कि गुड़गांव का कोड है जीजीएन दिया हुआ है, अब हमें इसकी कोड याद ही रहती है, लेकिन इतना पता है कि 3 डिजिट का है वो, तो यू कैन, आप इसमें 3 क्वेश्चन मार्क पे लुकअप लगा लेंगे तो आपका वो जीजीएन का दे देगा, तो 3 एनी, चाहे जितना क्वेश्चन, जरूरी 3 ही डालो, चाहे जितना क्वेश्चन मार्क डालोगे वो समझ जाएगा कि उतने वैल्यू को लुकअप कर, समझ गए? ऐसा भी कर सकते हैं 2 क्वेश्चन मार्क लिखकर आगे ऐड दे, हाँ, तो मतलब मानिए दूसरा कोई करेक्टर भी 3 का ही है, मानिए DDL है और मुझे GGN चाहिए, तो सर मैं GG मुझे शुरुआत तो याद नहीं, आखिरी N याद है, तो मैं 2 क्वेश्चन मार्क लगा के N लिख दूं चलेगा? हाँ हाँ लिख सकते हो, आप तो समझदार हो गए ना। सर एक छोटी सी समस्या है, मानिए सर कोई मैं लुकअप कर रहा हूँ और वो 5 करेक्टर का तो है, लेकिन उसके बीच में मतलब 5 करेक्टर के वहां पे बहुत सारे हैं, कभी उसके बीच में हाइफन रहता है, कभी स्पेस रहता है, कभी कॉलन रहता है, मुझे स्टार्टिंग और एंड का है उस करेक्टर का, बट बीच में देखिए लेंथ उसका कम अधिक हो जाता है, कभी 5 हो जाता है, कभी स्पेस लग के 6 हो जाता है। देखिए सुजीत, नहीं तो उसके कुछ ना कुछ कंडीशन फिक्स करना पड़ेगा ना आपको, सुजीत कुमार है, ठीक है ना, सुजीत कुमार है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कभी इसके बीच में सुजीत कुमार में स्पेस होता है, कभी डैश होता है, कभी हाइफन होता है, हाँ। क्या ये बोल रहे ना प्रॉब्लम? हाँ, हाँ, हाँ। तो उस केस में मैं यहाँ पे लिखूंगा सुजीत क्वेश्चन मार्क एंड कुमार, इस पे लुकअप हो जाना चाहिए, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूं, अगर नहीं होगा तो प्लीज हंसिएगा मत। हो गया? अरे गजब हो गया सर। अब इसमें मैं अगर डैश कर दूं, फिर भी हो रहा, आउट कर दूं, फिर भी हो रहा, लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सुजीत कुमार में कुछ आई नहीं, ब्लैंक हो गया, तो नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ होना चाहिए। अरे नहीं सर, इसका भी कुछ करिए ना, कभी कभी कुछ सुजीत कर लीजिए ना, यहाँ पे स्टार्ट भी सुजीत कर लीजिए, हो गया। नहीं सर एक्चुअली मैं सर्च कर रहा हूँ, एक जो सर इंडेक्स सर्च फंक्शन होता है ना सर, उससे मैं उसको यूज कर रहा हूँ, वहां पर बहुत सारी उस सेल में ढेर सारी लंबी सी स्टोरी लिखी रहती है, उस स्टोरी में से मुझे पर्टिकुलर वो वर्ड वहां पर है कि नहीं है, मैं वो निकालता हूँ, उसके लिए फाइंड इस्तेमाल कर लीजिए ना, फाइंड फाइंड कर लीजिए, फाइंड या सर्च, सर्च होगा ही होगा, सर्च
फाइन जैसा ही होता है, फाइन के स्पेसिफिक होता है, सर्च के स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, ठीक है सर। बताया था ना जब मैंने राइट बराबर ए बताया था, लेफ्ट आउट मीट बताया था, तुमने बताया था इसको टेक्स्ट फॉर्म में। अब बात कर रहे हैं मल्टी शीट लुकअप की। मेरे पास तीन शीट पे डेटा है, ठीक है, तीन शीट पे डेटा है। अब प्रॉब्लम है कि हमारे एम्प्लॉय कोड 101 से लेके 150 तक जो है यहाँ है, एक से लेके है, और डेटा में 51 से लेके 100 तक, समझ रहे हैं ना। तो मेरे पास जो डेटा आया है जो सर्च करना है वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, समझे। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं पहले एक सीट वन से लुकअप लगाता हूँ, फिर देखता हूँ जो नहीं मैच करता है, फिर सीट टू से करता हूँ, फिर देखता हूँ जो नहीं मैच किया उसको थ्री से करता हूँ। तो तीन बार करना पड़ता है। अगर अभी डेटा हेयर फेयर हो गया तो फिर से भी लुकअप लगाना पड़ जाता है। हम चाहते हैं कि तीनों सीट में डेटा किसी भी सीट में एग्जिस्ट कर रहा हो यहाँ पे आ जाए। पर प्रॉब्लम क्या है, वीलुकअप करता है कि मैं एक बार में किसी एक सीट से डेटा लूंगा, किसी एक सीट से डेटा लूंगा, उससे ज्यादा डेटा किसी ज्यादा सीट से डेटा को ले नहीं सकता मैं। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम लगाएंगे तो दो वीलुकअप देंगे, लेकिन दो फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं एक सेल में। उसके लिए हमने इस्तेमाल किया इस सर के पास दो फॉर्मूला लगाने की कैपेसिटी है, पहली और दूसरी। कि पहला एरर दिया तो दूसरे को शो करेगा, पहले रिजल्ट दिया तो पहले को शो करेगा। मतलब कि मैंने वी लुकअप लगाया इसमें और बोला कि तुम जो है डेटा वन से उठा, कॉमा टू कॉमा जीरो। अगर डेटा टू में तुमको ना मिले तो फिर तुम वापस वी लुकअप लगाया और मैंने बोला कि तुम जो है डेटा टू से लगा, कॉमा टू कॉमा जीरो। तो अब देखिए, अब इस एरर के अंदर में हमने क्या लगाया कि पहला वी लुकअप एरर दिया तो दूसरे वी लुकअप को फॉलो करेगा, अगर दोनों में नहीं हुआ तो फिर एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे 36 लिख दूं तो डेटा मिल गया, क्योंकि 36 पहले भी लुकअप ने वर्क कर दिया तो पहले भी लुकअप रिजल्ट दे दिया। अगर 36 की जगह पे मान लीजिए मैं देता हूँ 56, तो 56 में इसने क्या हुआ कि दूसरे शीट ने इसको दिखा दिया कि 56 का डेटा दूसरे शीट पे था, तो ये एरर दिया। अगर इसको एवलेट करोगे समझना आएगा आपको फॉर्मूला एवलेट। देखिए पहला वी लुकअप चला एरर दिया, तो फिर दूसरे वी लुकअप को चलाया गया और रिजल्ट मिल गया और इफ एरर रिजल्ट दे दिया। समझ में आया सर। बट यहां प्रॉब्लम है कि मेरे पास तीन डेटा है या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये बात हो गई कि आपके पास एक सेट, एक जो है आपके पास बॉक्स है, आपके पास चार स्पीकर, ठीक है, चार स्पीकर है ना, लेकिन इसमें पोर्ट एक ही है। ये बोलता है कि मैं एक ही स्पीकर का पोर्ट लगा सकता हूं, अब चार स्पीकर चलाने। तो मैंने एक एक्सटेंशन लिया जिसके अंदर दो पोर्ट था, ठीक है, पहले वाले पोर्ट में मैंने इसको दे दिया। फिर मैंने एक और एक्सटेंशन लगाया जिसके अंदर दो पोर्ट थे, एक में ये दे दिया। फिर मैंने एक और यहां पे एक्सटेंशन लगाया जिसमें ऑलरेडी दो पोर्ट थे, तो एक में इसको कनेक्ट कर दिया और एक ने इसको कनेक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, तीन पोर्ट लगा लिए, तीन पोर्ट लगाने से चार एक्सटेंशन हमें मिल गए, समझे। तो उसी तरीके से हमारे पास इस एरर क्या है, पोर्ट है जिसमें एक दो इनपुट है। हमने क्या किया, एक और इफ एरर लगा दिया और इस एरर में बोला कि पहले पोर्ट में तुम वही रहो जो पहले था, तो दूसरे पोर्ट में तीसरा विलुक को डाल देता हूं। आ रहा है समझ में सर। सर इसमें एक छोटी समस्या आती है, कभी कभी एरर नहीं आता, वैल्यू जीरो आ जाती है।
मैं चाहता हूं कि अगर जीरो आ जाए तो फिर वो दूसरी शीट में जाके वहां पे भी देख ले। जीरो क्यों आता है पहले बताइए। पहली वाली शीट में वो वैल्यू थी सर जिसको हम लोग लुकअप कर रहे थे। और मेरा क्या मतलब रिक्वायरमेंट है कि मानो पहली शीट में गया वहां पे वैल्यू जीरो मिली तो फिर वो दूसरी शीट में जाकर वहां से वैल्यू। पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ जीरो किस केस में आता है पहले इसको समझिए। मैच हो जाता है तो सर आता है और क्या। मैच नहीं हो जाता है, मैच होने के बाद जिस कॉलम नंबर को आप उठा रहे हैं उसकी वैल्यू जीरो आया तो जीरो आएगी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ सर, जो हमारे आउटपुट वैल्यू है इफ लगाना पड़ेगा ना, फिर इसमें इफ लगा दीजिए कि पूरे का रिजल्ट इक्वल टू जीरो तो कोई और भी लुकअप चले। समझ आया? फिर तो इस एरर में तो फिक्स है ना, इस एरर तो एरर के लिए फिक्स है, अगर कोई और कंडीशन है तो डू द इफ। तो आगे बढ़े अगले एग्जाम्पल। अगली एग्जाम्पल में क्या है देखिए, अगली एग्जाम्पल देखिए कि मेरे पास एक इस तरह का बना हुआ सीट है जिसमें सेल मतलब कि ये है सेल सेलिंग सेल का एक डेटा है, सेल्स डेटा है, इसमें एम्प्लॉय कोड है, नेम है और जिस जिस दिन को ये हुआ है उसका सेल्स जुड़ गया है और सेल्स का पूरा डेटा दिया। ठीक है, अभी क्या होता है कि मुझे दूसरे शीट पे डेटा जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है फ्रॉम टू। ठीक है ना, मैं डेटा को फ्रॉम टू लेता हूं, मैं बोला कि एम्प्लॉय कोड वन का मुझे चाहिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का डेटा। समझ आया आपको सर? 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, अब या फिर 10 जुलाई से 15 या 15 से 20 ऐसे बिटवीन का डेटा चाहिए। तो नेम लाने के लिए तो जनरली आप वी लुकअप लगाओगे और बोलोगे कि वन और एम्प्लॉय कोड को दिया आपने और चले गए आप इसमें अपने डेटा शीट में और सिलेक्ट करके कॉमा 2,0 कर दिया तो आपको नेम आ गया। पर डेटा कैसे, डेटा प्रोसेसिंग मेरा चेंज होते रहता है। तो आपको याद करना होगा हमारा इफ फॉर्मूला की क्लास जिसमें मैंने सीरियल नंबर बताना बताया था फॉर्म टू, याद है? बीरू जी याद है या भूल गए? नहीं याद है तो याद रखा कीजिए, ऐसे पीछे की चीज भूलोगे तो होगी क्या। हमने लिंक किया पहले को इससे, पहले डेट को यहां पर जो भी डेट होगा, फिर मैं कंडीशन दूंगा इफ का, इफ इसमें अगर प्लस वन किया अगर वो ग्रेटर देन एंड डेट हुआ तो ब्लैंक हो, नहीं तो इसमें प्लस वन करके सीक्वेंस नंबर दे। ध्यान से देखिए हमने क्या दिया कि अगर पहली इस जहां फंगवा लग रहा है उससे पहली वाली कॉलम में जो डेट है उसमें प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन हमारी स्टार्ट डेट होता है तो वो यही पे ब्लैंक कर दे, नहीं तो फिर D9 प्लस वन को करे। ठीक है, और इसको इसमें एरर आने की संभावना है तो मैं इसको इस एरर से ब्लैंक कर देता हूं कि एरर हो तो ब्लैंक हो जाए। और ड्रैग करने से पहले हमारा जो G6 है जो फिक्स है इसको फिक्स करना पड़ेगा। और हम आगे की तरफ, आपको पता है कि मैं 20-25 कितना लेता हूं उतना ड्रैग कर, ये ड्रैग कर 15 तक आ गया। अगर मैं 10 देता हूं 10 तो 10 तक, ठीक है 5 दूंगा तो 5 तक, मैंने यहां पे 20 दे दिया तो 20 तक आया और मैंने बोला मुझे 10 से 20 चाहिए तो 10 से 20 कर, 10 से 20। और जब ये है हेडिंग हमारे पास है ही तो वी लुकअप और मैच को लगा दूंगा उसके बाद सही आ जाएगा। वी लुकअप कॉलम इंडेक्स लुकअप वैल्यू डेटा में जाया गया और पूरा डेटा अपना सिलेक्ट कर लिया जो भी डेटा हमारा था, और जहां कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे थे वहां पे हमने मैच लगा दिया और मैच में मैंने अपना इस डेट को सिलेक्ट किया और हम
डेटा में चले गए और डेटा में भी जो डेट का हेडिंग था उसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा जीरो एंड कॉमा ऑल्सो जीरो आ गया रिजल्ट। अब इसको ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना, समझ में आया सर है कि नहीं? यस सर। अब इसमें एरर आने के चांसेस है क्योंकि यहाँ यहाँ एरर आना जाएगा तो यूज देगी एरर इफ एरर और यहाँ पे कॉमा। बहुत ज्यादा डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है तो यहाँ डेटा आ गया। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 7 से 20 करता हूँ, 7 से 20 आया। मैं 7 से 25 यहाँ पे मान लो 7 से 15 करता हूँ, इस तरह से डेटा है। रिपोर्ट ऑटोमेशन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है सर। इनमें को चेंज करूं, मैं इनमें को 5 करता हूं तो मैं 5 पे आएगा। आगे बढ़े जी सर। ओके अब जो है हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है वीलुकअप लिस्टिंग। वीलुकअप लिस्टिंग का नाम मैंने लिया है, ठीक है। और इसमें आपको एक होमवर्क करना है अपना खुद का, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि वीलुकअप, जैसे आप वीलुकअप का फॉर्मूला आप लगाते हैं तो वीलुकअप क्या बोलता है, लुकअप वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ टेबल एंड रिटर्न द वैल्यू द सेम रो फ्रॉम द कॉलम यू स्पेसिफाई by default in the table and sorted in the ascending order. मतलब कि ये जो लुकअप करता है एक ऑर्डर में करता है, मतलब कि फाइनेंस हमारे पास एक यहाँ है और एक नीचे भी, तो फाइनेंस हमेशा वो पहले वाले को ही सोच सक करेगा, वो दूसरा वाला नहीं करेगा। मतलब कि आपके डेटा में अगर वैल्यू 5 बार रिपीटेड है तो पहले को दिखाएगा, चौथे बाकी 4 को छोड़ देगा। लेकिन मुझे एज ए फिल्टर जैसा एक फीचर क्रिएट करना है, जैसे फिल्टर में होता है ना कि आप यहाँ पे गए और आपने सेलेक्ट किया अकाउंटिंग, तो आपको आपके पास सिर्फ अकाउंटिंग का डेटा दिखता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे फाइनेंस सिलेक्ट किया तो मुझे फाइनेंस का डेटा दिखना चाहिए, आईटी सेलेक्ट किया तो मुझे आईटी का डेटा, समझ गए कैसे कर। तो पहले मुझे इसका यूनिक नंबर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए जानिए काउंट इफ का फॉर्मूला। हमारे पास एक काउंट इफ का फॉर्मूला जो कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर को एक कॉलम में सर्च करता है, सेल वैल्यू को एक कॉलम में सर्च करता है, रो में सर्च करता है और काउंट पे बताता है 10 बार। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको नीचे ड्रैग किया और नीचे कहीं फाइनेंस आ रहा है तो वहां भी 10 ही दिखाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 1 दिखाए और यहाँ पे 2 दिखाए और फिर नीचे कहीं फाइनेंस है वहां पे 4-3 दिखाए, 4 दिखाए, ऐसे सीरियल नंबर दे। तो सीरियल नंबर के लिए याद होगा कि मैंने शॉर्टिंग किया था, बट यहां मैं डेटा शॉर्ट नहीं करना चाहता, तो उस केस में हम क्या करें, तो उस केस में यहां मैं लगाऊंगा काउंट इफ का फॉर्मूला। बट काउंट इफ में एक छोटी सी चेंजिंग कर दूंगा, तीनों हमें G2 से G2 कॉमन G2 और नीचे ड्रैग करने से पहले पहले वाले G2 को मैंने फ्रीज कर दिया डॉलर से और फिर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग। अभी क्या हुआ, अगर मैं इसको फिल्टर करूंगा तो आप देखिए यहां पे कि
पहला अकाउंटिंग वन, दूसरा अकाउंटिंग टू, थ्री, फोर, एक सीक्वेंस नंबर दे दिया। अरे सीक्वेंस नंबर कैसे दे रहा है इसके बारे में भी पहले एक बार जान लें इसके कंसेप्ट। जी टू से जी टू के बाद जी टू, यहाँ पे जी थ्री हो गया, जी टू से जी थ्री, समझे? मतलब जहां हम काउंट कर रहे हैं वो हमेशा अपने सामने वाली वैल्यू को काउंट कर रहे हैं, नीचे वाले से मतलब नहीं है। तो सीक्वेंस आएगा ही आएगा क्या? क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ पाया। चलिए अब इसके अभी भी यूनिक तो बना नहीं, तो मैं इसके साथ इसका डिपार्टमेंट को कॉनकटा नेम कर दूंगा। तो पहली फाइनेंस, पहला एडमिनिस्ट्रेशन, पहला ह्यूमन रिसोर्स, और जहां नीचे दूसरा मार्केट, दूसरा मार्केटिंग, दूसरा फाइनेंस, इस तरह से। अब मैं यहां भी काउंट इफ लगाता हूं, काउंट इफ में मैं भी यहां काउंट करता हूं कि आखिर टोटल फाइनेंस है कितना, 10। और मैंने यहाँ पे वन मैनुअल लिखा और यहाँ पे कंडीशन दिया कि इफ इसमें प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन 10 होता है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज इसमें प्लस वन, ठीक है? और इसको इफ इसमें इफ एरर लगाना जरूरी है क्योंकि एरर आ सकता है यहाँ सीक्वेंस खत्म होगा वहां पे। और इसको M2 को फ्रीज कर देता हूं। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग, मुझे पता है कि 20 से 25 है, उसको मैं नीचे तक कर दिया। तो सीक्वेंस कहां पे जनरेट हुआ? जहां जितना नंबर था उतना। अब मेरे पास यूनिक नंबर क्या है? काउंट सीरियल नंबर, कौन का डेट है? डिपार्टमेंट। तो सीरियल नंबर यहां है और डिपार्टमेंट यहां है। तो यहां जब हम वी लुकअप लगाएंगे तो सीरियल नंबर को भी डिपार्टमेंट से कर देंगे, तभी तो दोनों सेम मैच करेगा। और फिर हम यहां से ले लेंगे कॉम। अब यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर में आप मैनुअली 2 लिख दे या फिर आप मैच का फॉर्मूला लगा दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे ड्रैग करने से पहले आप फ्रीज करना, तो इसका मुझे के फ्रीज करना है, L2 को पूरा फ्रीज करना है, L4 का 4 फ्रीज करना है और इसका 1 फ्रीज करना है। और फिर इसको अब इसमें एरर आ सकते हैं तो इफ एरर लाजमी है। और फिर इसको नीचे तक जहां तक आपका रो नंबर है वहां तक। कुछ गलत हो गया कि L2, अच्छा हाँ ये यहाँ पे फ्रीज नहीं हुआ है, माफ कीजिएगा। आ गया। अब यहाँ पे मैं IT डालता हूँ। सर आपने सर एक साथ कॉलम और रो दोनों तरफ एक साथ ही फॉर्मूला ड्रैग कर दिया, ये कैसे किया? कंट्रोल D कंट्रोल R पीछे की चीज पूरा बुनते जा रहे हैं। फील में नहीं बताया था आपको कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर? मुझे लगा सर ड्रैग करके कर रहे हैं। नहीं नहीं समझ गए। तो यहाँ पे हमने आईटी में डाला, यहाँ पे मान लीजिए मैं आईटी की जगह पे टीआरजी डालू,
टीआरजी का एक ही है तो एक ही है, जब फाइनेंस डालूंगा तो फाइनेंस का। तो वी लुकअप का यहाँ टॉपिक खत्म होता है, लेकिन आपको वी लुकअप में क्या करना है, यहां पे होमवर्क लिख देता हूं मैं, टोटल डालना। यहां पे ऐसा टोटल हो कि फाइनेंस 10 तक है तो 11वां टोटल देखे, कल के डेट में आईटी हो जाए, यहां पे आईटी हो जाए तो टोटल यहां नीचे आए, तो टोटल इसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता है, ये आपको ऐड करना। और मुझे जहां तक आशा है आप ऐड करना। ये फाइल भेज